गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अमन सर आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंपाउंड नाउन की सीरीज़ में हम जरा अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और वो कंपाउंड नाउन कौन सा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है तो जरा आप लोग देख सकते हैं कि कंपाउंड नाउन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। और अगर दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पर कंपाउंड नाउन है। कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से बने तो ज़रूर होते हैं लेकिन उनके बीच में हाइफन नहीं होता है। आप सारे लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो क्लियरली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्लासरूम में दो शब्द हैं, यहाँ पे पासर बाई में दो शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे पहले और दूसरे शब्द के बीच, यहाँ पे इस पहले और यहाँ पे इस दूसरे शब्दों के बीच में क्या है, हाइफन है। लेकिन यहाँ पे दो शब्द ज़रूर है लेकिन हर एक शब्द में दो शब्द है लेकिन किसी के बीच हाइफन नहीं लगा हुआ है। तो कंपाउंड नाउन में कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिसमें दो या अधिक शब्द जरूर होते हैं लेकिन उनके बीच का हाइफन नहीं होता है, वो भी कंपाउंड नाउन होते हैं। सपोज करिए, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर लेके चलता हूँ, जितने भी यहाँ पे कंपाउंड नाउन आप देख रहे हो ना, जितने भी आप देख रहे हो, उन सब में यहाँ पे रूम शब्द क्या है, तो रूम यहाँ पे कॉमन है। सारे शब्दों में रूम कॉमन है। और कभी भी आप रूम की बात करोगे तो यहाँ पे एक रूम अलग नाउन हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि रूम एक अलग नाउन हो गया और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि क्लास एक अलग नाउन हो गया ना। क्लास का प्लूरल होता है क्लासेस और रूम का प्लूरल होता है रूम्स। लेकिन इन दोनों को आपस में यहाँ पे क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। और अगर मर्ज किया गया है तो ये मिल के क्या बन गया है, ये दोनों मिल के बन गया है क्लासरूम। क्या बन गया है, ये बन गया है क्लास रूम। इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, यानी जोड़ दिया गया है। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि अगर आप रूम का प्लूरल अगर बनाते हो तो रूम का प्लूरल बनता है रूम्स, और अगर क्लास का प्लूरल बनाओगे तो क्लास का प्लूरल बनता है क्लासेस, बनता है। लेकिन अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया गया हो और जोड़ने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि अब इसका प्लूरल क्या होगा, क्लास का प्लूरल क्लासेस होगा, रूम का प्लूरल रूम्स होगा, बट अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तब उसका प्लूरल क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि इन सारे शब्दों में अगर एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। क्या बनेगा, ये बनेगा प्लूरल। यानी सपोज करिए कि अगर आपको बेडरूम का प्लूरल बनाना है तो बेड वैसे ही रहेगा, रूम वैसे ही रहेगा, बस लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। तो बेडरूम का प्लूरल क्या हो गया, बेडरूम्स। क्लासरूम का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्लासरूम्स। स्टोर रूम का क्या हो जाएगा, स्टोर रूम्स। बाथरूम का क्या हो जाएगा, बाथरूम्स। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ सो, तो सो वैसे ही रह जाएगा, और रूम है तो रूम के लास्ट में केवल क्या जोड़ देंगे, आप एस जोड़ देंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे स्टडी रूम है तो आपको यहाँ पे स्टडी, और अगर रूम है तो रूम में आपको क्या जोड़ना होगा, एस जोड़ देना होगा। तो जितने भी रूम वाले कंपाउंड नाउन आपको मिलेंगे उन सारे कंपाउंड नाउन में आपको क्या करना है, आपको केवल एस जोड़ देना है, उसका प्लूरल बन गया, उसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब ज़रा दूसरी चीज़ आती है कि अगर किसी भी, अगर रूम वाले कंपाउंड नाउन की अगर आप बात करोगे ना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी आप रूम की बात करोगे तो ये जितने सारे हैं, ये जितने सारे लोग हैं वो नॉन लिविंग हैं। कौन से हैं, नॉन लिविंग। रूम, मकान आप कैसा भी बना लो, मकान आप कैसा भी बना लो, वो मकान कैसा रहता है, वो मकान शीशे का हो, पत्थर का हो, लकड़ी का हो, या किसी का भी हो, वो रहेगा कैसा, तो नॉन लिविंग रहेगा, निर्जीव रहेगा। और निर्जीव कोई भी अगर नाउन निर्जीव हो तो उसके साथ मेरे दोस्तों कभी ये वाला एपोस्ट्रॉफी, एस के बाहर वाला एपोस्ट्रॉफी और ये वाला, इन तीनों में से किसी का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जितने भी इस रूम वाले नाउन आएंगे, कौन से नाउन, कंपाउंड नाउन, जितने भी रूम वाले कंपाउंड नाउन आएंगे उनमें केवल एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा, और इसके साथ कभी एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करना है। उसका अगर आप रीज़न पूछते हैं कि सर व्हाई डू वी नॉट यूज़ एपोस्ट्रॉफी विथ कंपाउंड नाउन रिलेटेड टू रूम, अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसका सीधा संबंध रूम से है उसके साथ हम निर्जीव क्यों नहीं जोड़ेंगे, तो आप तथ्य देंगे कि किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। यही कारण है कि इन सारे लोगों के साथ कभी भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। केवल इस प्रकार के कंपाउंड नाउन से रिलेटेड आएगा कि इस प्रकार के कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो केवल प्लूरल बनाने के लिए पूछेगा। एपोस्ट्रॉफी लगा के अगर देगा तो वो गलत है। एपोस्ट्रॉफी हटाइए, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब जरा देखिए, ये जो तीन शब्द है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पासरबाई, पासरबाई का मतलब होता है दोस्तों यात्री। क्या होता है? यात्री। अगर हैंगर ऑन का मतलब होता है तो इसका मतलब आप बोलेंगे प्रशंसक। और लुकर ऑन का मतलब होता है दोस्तों चमचा। जो पीछे पीछे घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको चमचा बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि ये जो पहला शब्द है यही आपका मेन है। क्या है? यही आपका मेन वर्ड है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा आपको, इससे रिलेटेड जब भी आप किसे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं ट्रिक बना के आपको उस माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे कभी ऑन आया हो या कभी यहाँ पे बाई आया हो, ऑन देख रहे हैं ना, ऑन यहाँ पे भी है, ऑन यहाँ पर भी है, और एक क्या है यहाँ पे? बाई है। तो इन दोनों को मैं एक ही मान लेता हूँ। यहाँ पे ऑन आ गया, यहाँ पे बाई आ गया। याद कभी भी रखेंगे कि इनके साथ दो फॉर्मूला है। इनके साथ न कभी एस जोड़ पाएंगे आप, न कभी ई एस जोड़ेंगे, न कभी आई ई एस जोड़ेंगे। यानी पासर बाई में, बाई के लास्ट में, याद रखेंगे बाई के लास्ट में चाहे ऑन के लास्ट में अगर आपको एस मिलता है तो गलत है, ई एस मिलता है वो भी गलत है, लेकिन आई एस मिलेगा वो भी गलत है। यानी आपको इन तीनों शब्दों के साथ, पासर बाई हो, हैंगर ऑन हो, लुकर ऑन हो, ऑन और बाई शब्द के साथ कभी भी आपको एस, ई एस और आई एस के साथ नहीं जाना है। अगर कभी लगा के दे रखा हो तो वो क्वेश्चन क्या है? गलत है। और तीसरा, अगर यहाँ पे बाई लिखा है तो बाई के साथ दोस्तों ये वाला एपोस्ट्रॉफी गलत है, एस के बाहर वाला भी एपोस्ट्रॉफी गलत है, और इसके साथ ये वाला भी एपोस्ट्रॉफी गलत है। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, बाई शब्द के साथ और ऑन शब्द के साथ ना तो कभी एस, ई एस और आई एस का फॉर्म इस्तेमाल होता है, और ना कभी एपोस्ट्रॉफी का कोई फंक्शन इस्तेमाल होता है। आपको जो काम करना है, ये दो काम है लेकिन इनके साथ आपको एक ही काम करना है, और वो काम कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ। इनके साथ कौन सा काम है इसको मैं डस्ट करता हूँ और आपको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ। आप याद रखेंगे इसके साथ हम कैसा काम करने जा रहे हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ऑन और बाई शब्द के साथ आपको ना तो एस और ई एस इस्तेमाल करना है, ई एस, और ना आप उसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है। मैंने कहा कि यही मेन वर्ड है और मेन वर्ड में ही आपको एस जोड़कर इसका क्या करना है? इसका प्लूरल बना देना है, ठीक है। और किसी इसके साथ कभी भी आपको ये वाला एपोस्ट्रॉफी जोड़ना ही नहीं है, वो चाहे मेन वर्ड हो चाहे बाई और ऑन हो, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन अगर आ गया कि अगर मान लो कि यहाँ पर पासर बाई है, पासर बाई, अगर इसका आपको प्लूरल बनाना है तो दोस्तों इसका प्लूरल बनता है पासर्स, और उसके बाद क्या जोड़ते हैं? बाई। इसका बन गया प्लूरल। यानी पासर है, इसमें केवल आपने क्या जोड़ा है? एस जोड़ा है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है हैंगर, ठीक है, और हैंगर के साथ हमने जोड़ दिया ऑन, इसका हमको बनाना है प्लूरल। तो ये जो हैंगर शब्द है उसको हैंगर रहने दीजिए और एस लगा दीजिए, तो हैंगर्स हो गया, और उसके बाद क्या जोड़ेंगे आप? ऑन, बन गया इसका प्लूरल। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा एल डबल ओ के आर, लुकर, और लुकर के साथ क्या आ गया दोस्तों? ऑन। इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे बन जाएगा लुकर्स, एस जोड़ा हमने और ऑन ऑन ही रहेगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, कब? जब सेंटेंस में कभी भी इन तीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इसके साथ कभी एपोस्ट्रॉफी यूज़ आपको करना ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे ही नहीं जाएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, किसका किसका? तो रूम वाले कंपाउंड नाउन का और बाई और ऑन वाले कंपाउंड नाउन का। इस ये रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल इसका प्लूरल बनाना, एपोस्ट्रॉफी का यूज इसके साथ नहीं करना है, क्योंकि रूम वाला क्या है? कंपाउंड है, सॉरी नॉन लिविंग है, और ये वाला नॉन लिविंग नहीं है। इसके साथ क्यों नहीं होता है? तो इसके साथ इसलिए नहीं होता है कि ये पहला शब्द मेन है और दूसरा मेन नहीं है, और पूरे ग्रामर के फॉर्मूले में, ग्रामर के रूल्स में कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि दोनों शब्द एक ही हो और एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल पहले पे किया जाए और दूसरे पे ना किया जाए। होगा तो दोनों पे होगा, या तो लास्ट वाले पे होगा या तो नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि इनके साथ केवल एस के साथ काम करना है, एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, और रूम वाले कंपाउंड नाउन के साथ भी केवल एस वाले के साथ काम करना है, एपोस्ट्रॉफी के साथ काम नहीं करना है। उम्मीद है आज की छोटी सी क्लास में आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।